करीब 1600 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में एक छत्र राज करने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी का वैभव एक बार फिर से लौटने वाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी, मेनी आर शॉक्ड अराउंड द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की वो कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है कि जो ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज से भी 400-500 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा। इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। ए ग्लोबल हेरिटेज दैट ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इन सो मेनी वेज। Now what? Injecting life into this ancient civilization, rejuvenating the core structures of Mother India. In multiple ways, India is reclaiming its ancient glory. Library को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 months तक, 3 महीने तक। मां लीडर आए पाकिस्तानी तो ये नहीं थे, थे मुसलमान, लेकिन उनका जो सोच थी वो यही थे कि हिंदुइज्म को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। इनको पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो हमारा भी एहसास है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों से 20 किलोमीटर दूर है। इसे आक्रमणकारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था, लेकिन एक बार फिर ये पुराने स्वरूप में लौट आया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराना खंडरों का भी दौर किया। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और 90 लाख किताबों के साथ इसे जला डाला। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे फिर से पुराने स्वरूप में लौटाने का प्रयास किया गया और सरकार ने इस पर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्देश्य है कि आग की लपटे में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री ने नालंदा के ऐतिहासिक और संस्कृति महत्व का जिक्र करते हुए कहा, प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर देखा और उसमें शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीख ऐसी है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर रश्क करती है। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, लेकिन नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 months तक जो कि 3-story लाइब्रेरी थी वो जलती रही थी, और हिस्टोरियंस जिसमें चाइनीज, जापानीज एंड साउथ एशियन मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था, यानी वो यही बात कर रहे थे। इस क्यों आखिर इतनी अहमियत की हामिल है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की वो कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है कि जो ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज से भी 400-500 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें ये बताया गया कि अब ये जो तालीम है ये किस तरीके से आगे फैलाई जाएगी, और अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी का
नया कैंपस जिसको इनॉग्रेट किया गया है उसको दुनिया का नॉलेज हब बनाया जाएगा। मोदी साहब ने ये कहा है इसके अंदर कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाएंगे बिहार में। देखिए ये जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें जिस वक्त मोदी साहब ये तकरीर कर रहे थे और उनकी कैबिनेट के उनकी हुकूमत के और लोग वहाँ पर मौजूद थे जिसमें कि डॉक्टर जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी स्पीच की, तो उसी के साथ वहाँ पर 17 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स सामने बैठे हुए थे। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ये किसी एक का तो असासा नहीं था ना, ये जो एसेट था इसके लिए, इसको दोबारा से शुरू करने के लिए 2014 में पहले भी इसका एक कैंपस इनॉग्रेट किया गया था और इसको इस तरीके से स्टार्ट करने में कई एक कंट्रीज़ जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। और यही वजह है कि उसमें जब आप देखते हैं तो आपको नज़र भी आता पता चलता है कि कितने फॉरेनर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इसमें शामिल हुए। तो देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है, सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो कंट्री उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। होना तो चाहिए था, वैसे तो जाहिर है कि नॉलेज जो है वो कहा जाता है किसी की मीराश नहीं होती, लेकिन नॉलेज उसी की मीराश होती है जो नॉलेज को नॉलेज समझता है। तो मीराश तो नहीं है वहां पे, लेकिन हालात तो ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने बुलाया ही नहीं, पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला लेते या फिर ये कि शहबाज शरीफ को ना बुलाते तो किसी और प्रोफेसर स्कॉलर को बुला लेते, डॉक्टर परवेज हूद भाई को इनवाइट कर लिया जाता या किसी और साइंटिस्ट को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन ऐसा मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली कि किसी को इन्वाइट किया गया। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी 400-500 साल पहले उसकी बुनियाद रखी गई, 5वीं-5वीं सदी ईस्वी में इसको कहा जाता है। और ये गुप्त सल्तनत के कुमार गुप्त ने इसकी बुनियाद डाली, इसको बनाया ये कहा जाता है। कुमार गुप्त बहुत शौकीन थे नॉलेज हासिल करने के, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया और उसके बाद उसको इस तरीके से तरक्की दी गई कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उस वक्त जितने हिस्टोरियंस हैं दुनिया में जो कि वहाँ पे जिन्होंने उस वक्त भी विजिट किया, उन्होंने जो बुक्स लिखी और अभी तक जो बुक्स लिखी जाती हैं हिस्ट्री की, उसमें पता ही चलता है कि उस वक्त भी वहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स 10,000 मंक्स मौजूद थे। और सिर्फ वहीं के सब कॉन्टिनेंट के भारत के ही लोग नहीं पढ़ते थे वहाँ पर, जापान, कोरिया, चाइना, वो कौन सा कंट्री था दुनिया का कि जहाँ से वहाँ पर स्टूडेंट्स आकर ना पढ़ते हों। लेकिन उसके बाद बख्तियार खिलजी का जब इसके ऊपर हमला होता है तो वो ईंट से ईंट बजा देता है, वो वैसे ही ईंट से ईंट नालंदा यूनिवर्सिटी की बजाता है कि जैसे मंगोलों ने जो सरों के मीनार बना दिए थे और बगदाद में जो ईंट से ईंट बजाई गई थी और हिटलर ने जिस तरीके से तबाही की थी, एक वैसा ही हमला नालंदा यूनिवर्सिटी पर भी हमें नजर आया बख्तियार खिलजी का। इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को जो आग लगाई थी वो एक मुसलमान फौजी कमांडर ने लगाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था बख्तियार खिलजी।